जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई है। कुसुम यादव का कार्यकाल 60 दिन यानी 2 महीने का रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद मनोज मुदगल वार्ड 35, उत्तम शर्मा वार्ड 49, ज्योति चौहान वार्ड 46, सुशीला देवी वार्ड 63, अरविंद मेठी वार्ड 71, मोहम्मद जकरिया वार्ड 65, पारस जैन वार्ड 80, संतोष कंवर वार्ड 78 बिना शर्त भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के सिविल लाइन्स आदर्श नगर और किशनपुर विधानसभा के 12 से ज्यादा पार्षद जो पिछले 3 महीने से भाजपा के नेताओं के संपर्क में थे, उन्होंने निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर भाजपा का दामन थाम लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 21 सितंबर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से इन पार्षदों की मुलाकात हुई थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और यूडीएस मंत्री जावर सिंह खर्रा को 8 पार्षदों ने उसी वक्त बिना शर्त बीजेपी ज्वाइन करने का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया। तो वहीं सूत्रों की माने तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी पार्षद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में हैं, जो जल्द ही भाजपा को अपना समर्थन दे सकते हैं। नई मेयर के पद पर संभालने से पहले यूडीएस मंत्री जावर सिंह खर्रा मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने शाम तक खुशखबरी आने की बात कही थी। क्या कुछ मंत्री खर्रा ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुनेश गुर्जर के साथ पहले 2 बार जो निलंबन हुआ और उन पत्रावलियों में कुछ कमी खामियां रही, उन कमी खामियों का फायदा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे राहत के रूप में प्राप्त हुआ। हमने अब की बार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन दोनों पत्रावलियों का, दोनों निलंबन आदेशों का और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों का अध्ययन किया, विधिवेताओं से विचार विमर्श किया और जो कमी खामियां उनमें थी उन सारी कमी खामियों को दूर करके अब की बार हमने निलंबन आदेश जारी किया है। इसलिए अब कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि उसे कोई राहत मिले। और अब कार्यवाहक मेयर का सवाल है तो आज की तारीख में शायद हम इस बारे में भी निर्णय कर लेंगे। हमारे अधिकांश पार्षदों से, विधायकों से सबसे चर्चा हो चुकी है, कुछ 2-4 से और चर्चा होनी, वो चर्चा होने के बाद हम बैकफुट में तो जिसने इतनी कमाई की है तो उस पैसे को खर्च भी तो करना है। अच्छे अच्छे वकीलों को मेहनताना देके, अब वो मेहनताना कितना सार्थक होगा कितना निरर्थक होगा ये तो समय बताई देगा। तो अभी आपने सुना मंत्री जावर सिंह खरा को, अब आइए आपको सुनाते हैं नई कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने मीडिया के समक्ष क्या कहा। ये है कि सत्य की जीत हो और हम सत्य पे चलने वाले लोग हैं। देखिए, मेरी हमेशा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, उसी को आगे लेकर हम काम करेंगे। और आपको जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखने को मिलेगी। देखिए, मेरी प्राथमिकता है कि जयपुर स्वच्छ हो, सुंदर हो और इसमें जो आज आप देखेंगे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, वो जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। जो संगठन ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरी उतरूंगी और मैं पूरे संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। देखिए, हमेशा आप देखिए कि जो भी सच्चाई होती है उसे संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद जीत अवश्य होती है। इससे पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को नैतिक तौर पर कांग्रेस का ही कार्यवाहक मेयर बनाना चाहिए। हेरिटेज नगर निगम का जो मामला चल रहा है, इसमें हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो कार्रवाई हुई और उसके बाद अब हेरिटेज नगर निगम में मेयर कार्यवाहक मेयर बनाने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। मैं बीजेपी की सरकार से कहूंगा कि आपको याद होगा जब ग्रेटर नगर निगम में मेयर का मामला हुआ था, तब हमने बीजेपी का बहुमत है ग्रेटर नगर निगम में, इसलिए हमने बीजेपी की कार्यवाहक मेयर सील धाबाई को बनाया था। अब बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए आप कांग्रेस की मेयर बनाइए, कांग्रेस की किसी भी पार्षद को आप मेयर बनाइए और उसके बाद आप जब चुनाव कराओगे तो आप भी आइए, हम भी आएंगे, तब मुकाबला करेंगे। इसलिए जब भ्रष्टाचार के कारण आपने कार्रवाई की, ठीक है, करते ही हम भी, हमने भी की थी, आपने भी की, लेकिन अब हेरिटेज नगर निगम में आप कार्यवाहक मेयर बनाते हैं तो आपको कांग्रेस की किस कांग्रेस के किसी महिला पार्षद को आपको मेयर बनाना चाहिए।